सा रोका। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है यूपी की बड़ी खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। तो प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होते ही नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। प्रदेश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। निकाय चुनाव के लिए आयोग की अधिसूचना जारी होते ही पोस्टर और बैनर हटाने का काम भी प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जनपद गोंडा में 2.62 लाख मतदाता हैं जो शहर की सरकार को चुनेंगे। 3 नगर पालिका क्षेत्र और 7 नगर पंचायत क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसमें नामांकन प्रपत्र बेचे जा रहे हैं और आज से लेकर 17 तक नामांकन प्रपत्र बेचे जाएंगे और जमा किए जाएंगे। इसके बाद 18 को स्क्रूटनी होगी, 20 को नामांकन वापसी का दिनांक होगा। खबर सहारनपुर से है, जहां प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 11 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। इसी व्यवस्था को परखने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा नकुड़ तहसील परिसर का भ्रमण किया गया। जिलाधिकारी ने नामांकन के लिए होने वाली तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित भी किया है। इस दौरान एसडीएम नकुल दीपक कुमार और तहसील के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक बैग में युवक का शव मिला है। जहां सेक्टर 29 बाईपास पर युवक का शव बैग में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों ने इसकी सूचना वहां से निकलती पीसीआर को दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जा पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक विभाग की टीम के साथ जब बैग को खोला तो बैग के अंदर एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस का दावा है कि एक बार व्यक्ति की पहचान होने के बाद मामले के खुलासे में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुलिस इलाके के पास के फुटेज भी लगातार तलाश रही है। तो सेक्टर 28 के बैक साइड में एक बैग मिला है हमें। उस बैग में एक मेल डेड बॉडी है, जिसके हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी उसकी उम्र होगी? और अभी तो सीनो क्राइम टीम आने के बाद में हम डेड बॉडी खोलेंगे, तब बता पाएंगे भी इसकी करीबन क्या है। अभी तो ऐसे पुलिस लाइन से थोड़ी सी दूरी पर है, क्या कहेंगे यहाँ के आवागमन? लेकिन ये मेन रोड है, 24 आवर्स इसका आवागमन होता है। ये बिल्कुल ऑकर्ड सा एरिया है, तो ये डेड बॉडी जो मिली हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? सूचना तो हमें मिल गई थी, जो सीक्रेट सूचना मिल गई थी, कुछ लोग खड़े हुए थे यहाँ से यूटर्न लेके हुए। थोड़ा सा एक बंदा था हमारा गैल का लड़का, उससे मिलके हुए आते थे, तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ से एक इनोवा जा रही थी, हमने उसको रोका, सर ऐसे ऐसे बदबू आ रही है। 112 पे रुकी है यहाँ पे, हमने बीटी नहीं करी थी। 112 ने फिर बीटी की है, कह रहे थे इसमें चलो देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है इसमें डेड बॉडी हो सकती है, अभी बदबू आ रही कंफर्म नहीं है, इसमें क्या चीज है। औरैया में सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम पद पर ताजपोशी के बाद पहली बार जनपद पहुंचे। वहीं नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम का सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर के सुभाष चौक एवं विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया और सपा कार्यकर्ताओं ने जिले की सीमा में प्रवेश करते ही फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका बखूबी निर्वहन करूंगा। मेरे लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधकर पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा। मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, जब जब जरूरत पड़ी है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमेशा खड़े रहे हैं। दलित आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा आवाज़ मुखर की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो नए जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, उनसे भी यही उम्मीद है, जो पिछले कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, ठीक उसी तरह उनके रूपरेखा पर चलते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। और हमारी
और जिस आशा विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी हमको दी गई है कोशिश पूरी रहेगी कि उस जिम्मेदारी पे खड़े उतरे और आगामी जो नगर निकाय चुनाव है उसमें अच्छी सफलता पार्टी को दिलाने का मेरा पूरा प्रयास होगा। नगर निकाय चुनाव में अभी तक आपके कितने प्रत्याशियों द्वारा आवेदन किया गया? काफ़ी आवेदन आ चुके हैं और शेष आज हमने बैठक भी बुलाई है, जो अभी तक लोग नहीं आवेदन दे पाए हैं वो आवेदन खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और पुलिस ने हत्यारोपियों के कब्जे से कुल्हाड़ी और डंडा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। वही घटना की जानकारी फैलते ही गाँव में हड़कंप मच गया और ये पूरी वारदात की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके साथ ही एसपी दीक्षा शर्मा घटनास्थल पर पहुंची थी और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके साथ ही दोनों हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी अब भेज दिया है। सीओ सदर मैं तत्काल मौके पर पहुंचे, उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी गए थे और घटना जो है जो जानकारी मिली उनके लड़के जो बड़ा लड़का है उसने इस घटना को पारित किया था। इस पर हम लोगों ने काम किया और सुमेरपुर पुलिस ने बड़ी तत्परतापूर्वक जो है पहले तो मतलब डेड बॉडी को पंचायत नामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसके बाद ये इनकी टीम लगी हुई थी, इन्होंने 24 घंटे के भीतर उसका खुलासा किया और उनके लखनऊ में चूनी चोकर के बड़े व्यापारी भगवान दास गुप्ता से लूट का मामला सामने आया है। डीसीपी राहुल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया और पुलिस ने सरगना आकाश यादव सहित 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के पास से 75,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं लूट में इस्तेमाल गाड़ी और बैग भी अब पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस द्वारा जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा होता है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है लगातार, और जो नामांकन स्थल है वहाँ पर भी जो इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस हैं उसके तहत सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें जो नामांकन स्थल हैं उनकी 200 मीटर की परिधि में बैरिकेडिंग की जा रही है और वहाँ से किसी भी जो भी अनुमन्य लोग हैं लखनऊ पुलिस द्वारा जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आरिफ और सारस की दोस्ती भले ही टूट गई हो लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। आपको बता दें कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ आरिफ कानपुर चिड़ियाघर पहुंचा और आरिफ को बाड़े में अपने मित्र सारस के पास पहुंचा है। सारस आरिफ को देखकर इतना खुश हो गया कि वो उससे मिलने के लिए बाड़े में उछल कूद मचाने लगा। सारस बार बार आरिफ को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर नीचे कर रहा था लेकिन बाड़े में लगी जालियों ने दोनों को मिलने से रोक दिया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उस दृश्य को बयां करते हुए कहा कि दोनों की दोस्ती को देख आंखें छलक उठी हैं, इसलिए नफरत की राजनीति करने वालों को अब सबक लेना चाहिए। जो अस्पताल के नियम थे उनके अनुरूप कराई गई, निश्चित रूप से जो पक्षी की मोहब्बत इंसान के प्रति थी उसको देख करके कोई भी इंसान जिसके मन में प्रेम होगा वो भाव विवल हो जाएगा। हम लोगों की भी आंखें छलक आई जिस प्रकार से उस पक्षी ने आरिफ को देखते ही अपनी गर्दन को हिलाना, चोंच को निकालना, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोर रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बैटरी रिक्शा से वाहन चुराने वाले 3 शातिर वाहन चोरों को नजीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 5 वाहन बरामद हुए हैं। वही डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि आरोपी ई रिक्शा पर साथ में घूमते थे और सुनसान स्थानों पर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे। इनके नाम है राजा, रेहान और अजीब, ये आसपास के ही क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 स्कूटी, एक पैशन प्रो बाइक और ई रिक्शा वगैरह मिले हैं। तो ये पहले से भी चोरियाँ करते आए हैं। जो इनके ऊपर अगर हिस्ट्री भी देखी जाएगी तो राजा के ऊपर 4 मुकदमे पहले से हैं, रिहान के ऊपर भी 4 मुकदमे हैं और अजीत जो है इसमें इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। तो ये पहले से भी हिस्ट्री
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।